वेलकम टू हर्ष फेमस वर्ल्ड। गाइज, आप इस कोरोना की वजह से तो घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे होंगे ना, इसलिए गाइज मैंने आपके लिए बनाया है चैनल जो है हर्ष फेमस वर्ल्ड। मैं उसके अंदर आपको क्रिएटिविटीज, डांसेस, क्राफ्ट, टिकटॉकर्स, अनबॉक्सिंग वीडियो, चैलेंजेस, ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। तो इसलिए फटाफट से मेरे वीडियोस देखें, सीखिए और घर पे ज़रूर ट्राई करना। हाँ गाइस, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जो मेरे वीडियोस है वो आपसे मिस ना होए। तो चलो गाइस, आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ वॉल शोपीस, बहुत सिंपल सा और इजी सा आज हम वॉल शोपीस बनाएंगे, वो भी हमारे सिर्फ और सिर्फ शादी के कार्ड से। तो इसलिए यहाँ पे मैंने शादी के कार्ड्स लिए, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पे शादी के कार्ड्स यूज़ किए हैं। अब मैं इससे ही बनाने वाली हूँ अपने वॉल शोपीस। तो गाइस, ये घर पे ही पड़े हुए होते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ क्रिएटिविटीज़ आइडिया आपके लिए लेके आती हूँ वॉल शोपीस बनाने का। तो वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट हाँ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे शेयर करें। और हाँ गाइस, मेरा लाइक का टारगेट है 2 लाख लाइक। मुझे पता है आप 2 लाख लाइक ज़रूर कर दोगे। तो चलो गाइस, आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कलर यूज़ किए, यहाँ पे मैंने रेड कलर यूज़ किया है और ऑरेंज कलर यूज़ किया है। आप कौन सा भी कलर यूज़ कर सकते हो। अब मैं रेड कलर ले रही हूँ और उसका सर्कल काट लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने को सर्कल में काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से हमें इसे राउंड राउंड कट करना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे कट करेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से राउंड करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से, तो इस तरह से मैं राउंड करते जाऊंगी इसे। ये देखिए, इस तरह से आप इसे राउंड करते जाए, देख सकते हैं इस तरह से। अब मैं पूरा राउंड कर लूँगी। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरह से फ्लावर बना लिया है। अब हम यहाँ पे नीचे के नीचे ग्लू लगाएंगे, फेविकॉल। अब इस तरह से हम इसे नीचे चिपका देंगे अच्छे से, आप इसे चिपका दें। गाइज, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसका फ्लावर बना लिया है। अब थोड़े से हम अपने फिंगर के मदद से इसे, अब आप देख सकते हैं गाइज हमारा जो फ्लावर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो फ्लावर्स है वो बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। और मैंने वैसे ही अपने ऑरेंज कलर के भी बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, अब मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे कार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड को मैं सर्कल में कट कर दूंगी। आपको जितना कट करना है आप उतना सर्कल में कट कर दे। ओके, एंड देन गाइज, आप देख सकते हैं मैंने कार्डबोर्ड का सर्कल कट कर लिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो फ्लावर्स है ना वो इसके ऊपर पेस्ट करने वाली हूँ। तो मैं अच्छे से पेस्ट करेंगे इस तरह से लगा के, इस तरह से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी अपने फ्लावर्स को। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा इतना सुंदर, मैंने इस तरह से इसे चिपका लिया है कार्डबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे मैंने रेड चिपकाया ऊपर, यहाँ पे आगे की तरफ ये चिपकाया है ऑरेंज कलर का और बीच में मैंने येलो कलर का फ्लावर चिपका दिया है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो अब हम बनाते हैं इसके स्टिक्स। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक वाइट पेपर लिया है और वाइट पेपर को हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे फेविकॉल लगा दे रही हूँ एक बूंद।
ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसकी हमें स्ट्रॉ जैसा बना लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह सा मैंने इसे बना लिया है स्ट्रॉ तरह से। इस तरह से आपको पेपर का बना दिया देना है। अब मैं इसे कलर करूँगी, तो मैं यहाँ पे इसे ब्लैक कलर कर रही हूँ, तो मैं इसे कलर कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अभी हमने जो पेपर की स्ट्रॉ बनाई थी उसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया है अच्छे से। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और अब मैं यहाँ पे फिर से एक वाइट पेपर ले रही हूँ और अब मैं इसका डायमंड कट कर लूँगी। ये देखिए गाइस, मैंने इसका डायमंड इस तरह से कट कर लिया है, आप देख सकते हो। अब मैं इसे कलर दूंगी, तो मैं यहाँ पे इसे रेड कलर देने वाली हूँ। तो इस तरह से हमें इसे कलर दे देना है। अब मैं इसे थोड़ा सा सूखने के लिए रख दूंगी, सूख गया है। अब हमें क्या करना है, अब मैं ले रही हूँ गोल्डन कलर और मैं इसे गोल्डन कलर से इसकी बॉर्डरिंग करूँगी। इस तरह से लगेगा हमारा डायमंड। ओके, और मैं बीच में एक ड्रॉप रखूँगी सिल्वर कलर का इस तरह से। अब हम इसे सूखने देंगे 2 मिनट में। गाइज, आप देख सकते हैं ये सूख गया है और मैंने डायमंड 3 बना लिए और जो हमने स्ट्रॉज बनाए थे पेपर स्ट्रॉ वो भी मैंने 3 बना दिए। अब हम इसे इस तरह से नीचे स्टिक करेंगे। इस तरह से मैं इसे ग्लू लगा दूंगी। यहाँ पे हम डायमंड इस तरह से इसे स्टिक कर देंगे। ओके, इस तरह से आप देख सकते। तो इस तरह से मैं सारे स्टिक्स को डायमंड चिपका दूंगी। अब मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है, ये दोनों सेम साइज़ के और ये थोड़ा सा छोटा लिया है। अब हमारा शोपीस ले लेंगे और अब मैं इसको स्टिक कर दूंगी यहाँ पे। इस तरह से अब मैं इसे स्टिक करूँगी। ही मैंने ये जो हमारा नीचे का है उसे भी स्टिक कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। बट मैं इसे इस ग्लिटर्स की मदद से थोड़ा सा इसे डेकोरेट करूंगी, तो इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट करेंगे और अब मैं लगा दूंगी यहाँ पे ग्लिटर की मनपसंद ग्लिटर आप लगा दीजिए यहाँ पे। तो मैं अब आपको सजा के दिखाऊंगी ग्लिटर से। देख सकते हैं मैंने इसे ग्लिटर लगा दी है। आपको जैसे आपको सजाना है वैसे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने एक छोटू सी रिबन ली है, अब मैं इसे पीछे रिबन लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इस तरह से इसे पेस्ट करूँगी और अब हम इसके पीछे भी रिबन को इस तरह से पेस्ट कर देंगे। देख सकते ही हमारा जो वॉल शोपीस है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। गाइज, आप देख सकते कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ये देखिए गाइज, ये कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा शोपीस। देखिए गाइज, और वैसे गाइज मैंने उसके साथ और एक शोपीस भी बना लिया, आप देख सकते हैं। पे मैंने और एक भी शोपीस यहाँ पे बना दिया है। सो गाइज, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत अच्छा था ना। तो चलो गाइज, मिलते हैं।